रोजिन लग चुका है और फिर से मैं देखता हूँ, देख सकते हैं अच्छे से वर्क कर रहा है। कभी भी आप ध्यान रखें, कोई भी टूल लॉन्च होता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो उसे जल्दबाजी ना करें, थोड़ा वेट करके लें। हेलो फ्रेंड, स्वागत हमारे GSM राकेश चैम पर। तो फ्रेंड, ये है रोजिन डिस्पेंसर जो कि हमारे लिए PC शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट करने में मदद करता है। वैसे तो हम आयरन की मदद से भी रोजिन लगा सकते हैं, बट ये मार्केट में नया गैजेट आया है और इसका रिव्यू करेंगे और टेस्ट करेंगे। कुछ लोगों की वीडियो YouTube पर ऑलरेडी आ चुकी हैं, उन्होंने ये बोला है कि ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका टेस्ट करेंगे क्या ये सच में वर्क नहीं कर रहा है। और एक दो मदरबोर्ड हैं, दो मदरबोर्ड में इसको डिटेक्ट करेंगे, इसकी शॉर्ट को। ये फुल शॉर्ट है और इसमें शॉर्ट नहीं है, तो दोनों पर हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने ये मंगाया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और आप चाहें तो मंगा भी सकते हैं। तो ये पहले आया था, उसका रिजल्ट कुछ खास नहीं था, अब इसका रिजल्ट देखना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड हुए हैं और इसमें कुछ अलग से कुछ पार्ट्स भी ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इसका जो एलिमेंट होता है वो यहाँ पर फालतू दिया गया है, देख सकते हैं एक एलिमेंट है और एक इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जानकारी दे देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक ये पेन मिलेगा और उसके बाद ये यहाँ पर ग्लास मिलेगा, इसमें एक एलिमेंट लगा हुआ होगा और ये ग्लास की मोटाई है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी मोटा है। ये नहीं है कि गिर जाएगा तो टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी हार्ड है और ये कुछ इस तरीके से लगेगा। और इसके बाद इसका एक चार्जर दे रखा है जो कि चार्जर आपको इस तरीके से लगाना है, उसके बाद आपको किसी भी USB पोर्ट में लगा देना है, उसके बाद ये ब्लिंक करेगी और ये भी ब्लिंक करेगी। तो जैसे फुल चार्ज हो जाएगा तो इसकी चार्जिंग है वो रुक जाएगी। तो एक बार मैं चार्जिंग टेस्ट करा के दिखा देता हूँ आपको, फर्स्ट टाइम इसे बाय किया है तो फुल चार्ज कर लें, उसके बाद इसका रिजल्ट चेक करें। तो यहाँ पर एक चार्जर लगा हुआ है, उसमें मैं इसे लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके की ब्लिंकिंग करेगी, उसके बाद ये चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर ये चार्जर में भी लाइट डिपर मार रही, ब्लिंक कर रही है। उसके बाद ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसकी जो लाइट है वो बंद हो जाएगी और ये कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, तो इसे मैं निकाल लेता हूँ, ये चार्ज कर रखा है ऑलरेडी। तो अब इसके कुछ फीचर के बारे में बता देता हूँ, तो इसे मैं चार्जर को निकाल देता हूँ और इसे लगा देता हूँ। और आपको जब फर्स्ट टाइम इसे बाय करेंगे तो इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, आपको तीन बार इसे बटन को दबा के दबाना है इस तरीके से, तो उसके बाद ये ऑन होगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, अब ये ना समझे कि हमारा जो पेन है वो खराब निकला है, तो तीन बार इसे दबाना है उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब ऑफ हो गया है, तो तीन बार आपको प्रेस करना है उसके बाद ये वर्क करेगा। अब इसके फीचर के बारे में आपको बता देता हूँ, तो इसमें एक पीछे रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि यहाँ पर एक मार्क लगा हुआ है रेड कलर का, जो कि यहाँ पर 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट और 4.0 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो एलिमेंट है वो ज़्यादा हीट करना है तो 4 वोल्ट पर रखना है, मीडियम रखना है तो 3.5 पर रख लेना है और बिल्कुल स्लो रखना है तो 2.0 कर लेना है। तो अभी ये 2.0 पर है तो मैं यहाँ पर बढ़ा दूंगा इसको और 3.5 कर दूंगा, 3.5 हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्क है रेड कलर का, तो 3.5 पर ये है और कुछ इस तरीके से ये इसका एलिमेंट है वो काम करेगा। तो अभी ये देख सकते हैं ये जल चुका है, अब इससे हम टेस्ट करने वाले हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कैसा होने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको रोजिन ले लेना है, थोड़ी सी डरी को इसे तोड़ लेना है जो कि इतना ही काफ़ी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डाल लेना है इसकी एलिमेंट पर कुछ इस तरीके से और ऊपर की साइड में रखना है जो कि गिर ना जाए, उसके बाद इसे बटन दबा के पिघला लेना है। बटन दबाता हूँ मैं और ये गिर रहा है, थोड़ा साइज बड़ा है शायद,
ये अब पिघल गया है, तो अब ये शायद नीचे को नहीं गिरेगा, देख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो ग्लास है उसको यहाँ पर लगा लेना है कुछ इस तरीके से। अब मैं फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहा हूँ आपके सामने ही सब कुछ, ये नहीं है कि पहले मैंने वीडियो चेक कर लिया कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए भी बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इस मदरबोर्ड पर चेक करेंगे, इसमें सेट शॉर्ट है ये, तो इसमें हम रोजिन को लगाएंगे। तो यहाँ पर ये बटन है, इसको दबा के रखना है और सबसे पहले आपको फुल चार्ज कर लेना है। तो यहाँ पर लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ धुआं निकलना, तो यहाँ पर धुआं स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर धुआं स्टार्ट हो चुका है। हाँ, मैं एक गलती कर गया अभी, यहाँ पर मेरा फैन चल रहा है तो मैं फैन को ऑफ कर देता हूँ। कुछ लोगों के ये भी प्रॉब्लम है कुछ लोगों के साथ कि फैन की वजह से इसका जो धुआं है वो मदरबोर्ड पे नहीं लगता है, तो यहाँ पर मैं फैन को बंद कर देता हूँ। तो फैन को आपको भी बंद कर लेना है, यहाँ पर मैंने फैन बंद कर लिया है और हमारा जो रोजिन है वो नीचे गिर गया है, तो इसे मैं फिर से लगा देता हूँ इसके एलिमेंट पे। उसके बाद इसका टेस्ट करेंगे अच्छी तरह से। अब इसको लगाते हैं, पहले आपको इस तरीके से इसे हीट कर लेना है, धुआं को निकाल ले देना है जब तक ये, मैं वोल्टेज को फुल कर देता हूँ 4 वोल्ट। हाँ, अब ये निकला है। ये रोजिन अभी लगा है, हल्का लगा है, यहाँ पर लग चुका है वैसे तो, और भी लगाते हैं देखते हैं। देख सकते हैं ये रोजिन लग चुका है, देख सकते हैं मैंने इतनी एरिया में लगाया है, और यहाँ पर अगर रोजिन ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से और भी रोजिन डाल लेना है, क्योंकि देखते हैं अगर रोजिन बचा है या नहीं बचा है, अगर बचा होगा तो ये लगा देगा, नहीं तो और यहाँ पर रोजिन डालना होगा। ये अच्छे से वर्क कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर आईसी और ये कवर हो चुका है, पहले यहाँ पर नहीं था और यहाँ पर कवर हो चुका है। तो एक बार मैं इसकी शॉर्टिंग को फाइंड करके देखता हूँ कि यहाँ पर जो शॉर्टिंग है वो दिखाई देती है या फिर नहीं देती है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना है। देख सकते हैं ये मेल्ट हो चुका है ये वाला कैपेसिटर, जो कि मैं अगर इसमें रोजिन और होगा तो मैं और डालता हूं एक बार यहां पर। ये रोजिन लग चुका है और फिर से मैं देखता हूँ, देख सकते हैं अच्छे से वर्क कर रहा है, और अभी मैंने रोजिन डाला ही नहीं है, वही है पहले का ही बचा हुआ। तो देख सकते हैं ये मेल्ट हो चुका है ये वाला कैपेसिटर, तो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो एक बार मैं रोजिन को और डाल देता हूँ, उसके बाद एक दूसरे मदरबोर्ड पर भी आपको चेक कराता हूँ। वैसे तो आपको अच्छी तरह से ये पे दिख रहा होगा, इससे ही मैंने किया है, तो अच्छे से वर्क कर रहा है। जो लोग बोल रहे थे कि वर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है वो पहला वाला जो आया था उसमें थोड़े फीचर कम थे और शायद वो कॉपी हो, तो ये ओरिजिनल है और इसमें फीचर है वो भी यहाँ पर फालतू दे गए हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं एक दूसरे मदरबोर्ड पर चेक करा देता हूँ ये पर, इस पर, और देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसी से लगाऊंगा, तो इसे मैं थोड़ा स्टार्ट कर लेता हूँ।
तो देख सकते हैं यहाँ पर धुआं निकलना स्टार्ट हुआ है। लग रहा है और थोड़ा अभी कम लगा है, तो मैं अभी ये देख लेना यहाँ पर नहीं है और यहीं की एरिया पे मैं लगा रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। ये लोग बोल रहे थे कि ये वर्क नहीं कर रहा है, तो शायद हो सकता है आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो कॉपी मिला है, या फिर आपका जो फैन है वो चल रहा है एयर की वजह से जो इसका स्मोक है धुआं है वो यहाँ पर नहीं लग पा रहा है। तो देख सकते हैं अच्छे से वर्क कर रहा है यहाँ पर, ये आईसी पर नहीं लगाया है और यहाँ पर जो पीएमआई आईसी है उस पर मैंने लगाया है, तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है आपके सामने विद प्रैक्टिकल। और मैं ये से फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर मैंने पहले प्रैक्टिकल नहीं किया था, क्योंकि अगर आपको कोई नुकसान होता है तो वो सबसे पहले मेरे लिए सुनने के लिए मिलेगा कि हमने राकेश भाई की वीडियो देखकर हमने प्रोडक्ट मंगाया और ये वर्क नहीं कर रहा। तो जो पहले वाला प्रोडक्ट था उसमें फीचर कम थे और उसका प्राइस भी थोड़ा डाउन था, बट इसका जो प्राइस है वो पहले वाले से करीब 100 रुपये फालतू है, 100 रुपये फालतू है। तो इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा है और वो पहले स्टार्टिंग में आया था, वो शायद हो सकता है कि कॉपी प्रोडक्ट हो, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। अब मैंने तो पहले वाला यूज नहीं किया, बट जितने भी लोगों ने यूज किया वो यही बोल रहे थे कि वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आप चाहें तो अब मंगा सकते हैं, कभी भी आप ध्यान रखें, कोई भी टूल लॉन्च होता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसे जल्दबाजी ना करें, थोड़ा वेट करके लें। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में कॉपी प्रोडक्ट बन जाता है और ज्यादा सेलिंग के लिए तो वो काम नहीं करता है। तो इसमें कुछ फीचर भी एक्स्ट्रा दिए, यहाँ पर रेगुलेटर दिया है, वॉल्यूम बोल सकते हैं, वोल्टेज कम ज्यादा करने का, जो कि पहले वाले में नहीं था। इसमें एक एलिमेंट भी फालतू दिया है, मान के चलते हैं आपका जो एलिमेंट है इसमें जो खराब होने वाला है वो एलिमेंट ही खराब होगा, तो अगर एलिमेंट खराब हो जाता है तो आप कहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट है वो खरीद रखा है उसका एलिमेंट उसके साथ नहीं आया है, चाइनीज प्रोडक्ट है तो इसके साथ एक एलिमेंट ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि आपका एलिमेंट खराब हो जाता है तो आप दूसरा ऑलरेडी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और आपको कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना है कि पहले वाले से 100 रुपये करीब 100-125 रुपये फालतू है, तो इसमें फीचर भी एक्स्ट्रा दे रखे हैं और ये वर्क भी कर रहा है, देख सकते हैं कितने अच्छे से वर्क किया है, अभी भी यहाँ पर है स्मोक और देख सकते हैं तो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं और लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप चेकआउट भी कर सकते हैं, इसका प्राइस और इसके जो इमेज है उसको देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और चैंपियन नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही मोबाइल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।